आज हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है गोल्ड के प्राइसेस में एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा 37,500 के नीचे प्राइसेस जा नहीं पा रहा है, 38,500 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं इंटरनेशनल में भी हमने देखा 1480 से 1520 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। कुछ फंडामेंटल की अगर बात करें, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा 99 का लेवल छूने के बाद डॉलर इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जिसकी वजह से भी हमें सोने में एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट में अभी भी जारी है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ देगा। रिसेंट अपडेट की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक जो आगे बढ़ी थी, इसकी वजह से हमने गोल्ड में गिरावट आती हुई देखी। बट एक ब्रॉडर रेंज जो पिछले 3 महीने से बना हुआ है 1480 से 1520, इसी दायरे में गोल्ड अभी भी ट्रेड कर रहा है। इनऑल हमें लगता है ये हफ्ते की अगर बात करें तो जिस अच्छे वॉल्यूम के साथ 1480 का लेवल होल्ड कर रखा है गोल्ड, तो टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइसेस में तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा, जो $1520 का इमीडिएट टारगेट। लेकिन अगर 1520 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और ऑनगोइंग फंडामेंटल सपोर्ट करता है, तो हमें लगता है 1540 से 1550 तक के भी लेवल हम गोल्ड पे देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 38,000 की काफी अच्छी सपोर्ट माना जाता है, और साथ में रुपए में जो गिरावट बढ़ना चालू हुई है ये गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ रहेगा। हमें लगता है ये हफ्ते में 38,600 से 38,750 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं सोने और चांदी में से हमें लगता है चांदी का आउटलुक काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा डॉलर टर्म्स में $17.50 के ऊपर इस वक्त कंटिन्यू मेंटेन है चांदी, जो एक अच्छे संकेत देता है। अगर $18 का लेवल ब्रीच कर जाता है तो हमें लगता है 1840 तक का लेवल हम अक्टूबर मंथ में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 45,000 के सपोर्ट से मार्केट कंटिन्यू अपलिफ्ट कर रहा है। तो हमारी सलाह रहेगी ये हफ्ते के लिए, अगर 45,600-700 की रेंज में अगर चांदी मिले तो लेके चलिए, 44,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में हमें लगता है कि 46,800 से लेकर 47,000 तक के भी लेवल हम आने वाले कुछ सेशन में देख पाएंगे।